Students, assalamu alaikum. The topic we will cover during today's lecture is HTML document object model, or just HTML DOM. Before starting the lecture, let's have a summary of the previous lecture. Previous lecture mein basically humne JavaScript start kiya tha aur humne ek overview liya tha कि जावास्क्रिप्ट जो है वो है क्या. जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उस कोड को हम एचटीएमएल के अंदर कैसे एम्बेड करते हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं. फिर हमने कुछ जावास्क्रिप्ट कन्वेंशंस डिस्कस की, जिसमें हमने देखा कि जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली जो है के सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमने सेमी कॉलन को यूज़ करना है तो उसका क्या ऑप्शंस है हमारे पास. इसी तरह से हमने अगर जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स ऐड करने हैं तो उसके क्या तरीका है, और कोटेशन मार्क्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद हमने वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमने इसमें देखा कि जो जावास्क्रिप्ट है वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हुए वेरिएबल टाइप जो है वो मेंशन नहीं करनी पड़ती. इसी तरह से हमने देखा कि हमारे पास VAR का कीवर्ड है जिसे यूज़ करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. फिर हमने कुछ रूल्स पढ़े के वेरिएबल नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम वेरिएबल नेम्स रखना चाह रहे हैं तो हमें एक किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. हमने जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स डिस्कस किए, इट मींस कि अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं. हमने ये देखा कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए क्या ऑप्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसमें हमने राइट का फंक्शन पढ़ा ब्राउज़र के ऊपर राइट करने के लिए, और जो है प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स हमने पढ़ा कि आप यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं. इसके बाद हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस जो हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं. हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड होता है और उसके बाद हम फंक्शन नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और उसके बाद हम जो है कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन की स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं. इसी तरह से हमारे पास जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उसमें हमने मैथ्स से रिलेटेड फंक्शंस देखे. हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी जिसमें हमने इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया, और आखिर में हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ी जिसमें हमने फॉर लूप और वाइल लूप का सिंटैक्स देखा. उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने फॉर लूप के अलावा जो थर्ड मेजर लूप है डू वाइल लूप उसे यूज़ करके देखा. तो इस तरह से हमने ओवरऑल जो है फॉर लूप, डू वाइल और वाइल, इन तीनों लूप्स का जो है वो सिंटैक्स देखा कि ये कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो आज के लेक्चर में और जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम इन सिंटैक्स को यूज़ करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के डायलॉग बॉक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं. इसके बाद हम जो है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी एचटीएमएल डॉम के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमें जो डिफरेंट टाइप के डायलॉग बॉक्सेस प्रोवाइड करता है वो कौन कौन से हैं. बेसिकली जो डायलॉग बॉक्स होता है वो यूज़र को कोई मैसेज दिखाने के लिए या यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं. डायलॉग बॉक्स जो है बेसिकली एक सेपरेट विंडो ओपन होती है वेब पेज में
जिसे यूज़र जो है उसे देख सकता है और अकॉर्डिंगली जो है अपनी इनपुट प्रोवाइड करता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें तीन तरह के डायलॉग बॉक्सेस जो है वो प्रोवाइड करता है, जिनमें से जो फर्स्ट टाइप है वो अलर्ट बॉक्स की है, सेकंड जो है वो प्रॉम्प्ट बॉक्स है जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि यूज़र्स इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे प्रॉम्प्ट बॉक्स को। और इसी तरह से जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास कन्फर्म बॉक्स की है। तो आइए हम वन बाय वन इन डायलॉग बॉक्सेस को स्टडी करते हैं और कोडिंग एग्जांपल्स देखते हैं कि हम इन डायलॉग बॉक्सेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पहली टाइप है डायलॉग बॉक्सेस की, वो है अलर्ट बॉक्स। बेसिकली एन अलर्ट बॉक्स इज सिंपली अ स्मॉल मैसेज बॉक्स दैट पॉप्स अप एंड गिव्स द यूज़र सम इंफॉर्मेशन। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम यूज़र को कोई वार्निंग मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो जस्ट रीडिंग के लिए प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम अलर्ट मैसेज या अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो है उसे यूज़ करते हैं। जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स है वो आमतौर पे हम यूज़र को कोई वार्निंग मैसेज जो है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। एक मैसेज डिस्प्ले होता है, यूज़र उसे स्टडी करता है, उसे पढ़ लेता है और उसके बाद जो है वो यूज़र ओके प्रेस करता है। इट मींस कि यूज़र ने उस मैसेज को पढ़ लिया। जब एक अलर्ट बॉक्स अपीयर होता है किसी भी वेब पेज में, तो उस अलर्ट बॉक्स के जो कंटेंट्स होते हैं उसमें एक तो वो मैसेज होता है जो कि हमने यूज़र को डिस्प्ले करना है, और इसके अलावा हमारे पास एक ओके का बटन होता है। यूज़र जो है मैसेज को पढ़ने के बाद ओके को प्रेस करता है और उसके बाद जो कंट्रोल है वो दोबारा वेब पेज की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम अलर्ट बॉक्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हमारे पास अलर्ट का कीवर्ड है और इसके बाद हम जो पैरेंथेसिस हैं उसमें हम मैसेज को जो है वो लिखते हैं, यानी वो मैसेज जो हमने डिस्प्ले करना है। अगेन हमारे पास अगर हम कोई मैसेज टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोटेशन मार्क्स यूज़ करनी पड़ती हैं हमें, और अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो हम विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क्स हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने अलर्ट बॉक्स को यूज़ किया हुआ है। आप देखेंगे जो हाइलाइटेड पार्ट है इसमें फर्स्ट लाइन के ऊपर एक फंक्शन हमने स्टार्ट किया है, फंक्शन का नाम है अलर्ट मी, और आप देखेंगे इसमें हमने जो मैसेज का पैरामीटर है वो हमने पास किया है। अब इस फंक्शन के अंदर देखें कि एक अलर्ट बॉक्स जनरेट हो रहा है और जो मैसेज हमने पास किया था वो उस मैसेज को डिस्प्ले कर रहा है। अब आप देखेंगे हमने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आप देखेंगे हमने अलर्ट मी का नेम यूज़ किया और उसके बाद हमने उसे एक मैसेज जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर पास किए। देखें जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो पैरामीटर हमने पास किया है वो मैसेज जो है वो पास होगा फंक्शन को, और वो फंक्शन जो है उस मैसेज को अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो है जैसे पेज लोड होता है तो वेलकम टू माय पेज का मैसेज डिस्प्ले होगा और उसके बाद अलर्ट बॉक्स में, और यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा ओके उसके बाद जो है बाकी का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो बॉडी के सेक्शन के अंदर हमने हेडिंग वन यूज़ किया हुआ है जिसमें हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज जो है वो लिखा हुआ है। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिएगा कि
जैसे पेज लोड होता है तो जब हेड वाला सेक्शन लोड होगा तो उसमें अलर्ट बॉक्स जो है वो हमें डिस्प्ले होगा, और जब तक हम ओके प्रेस नहीं करते बाकी का कोड उसी तरह जो है वो होल्ड पोजीशन में रहेगा, और जैसे हमने ओके प्रेस किया तो बाकी का जो बॉडी का सेक्शन है वो डिस्प्ले होगा वेब पेज के ऊपर। तो आइए हम ब्राउज़र के अंदर आउटपुट देखते हैं इसी कोड की। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो जैसे ही हमने इस वेब पेज को ओपन किया है हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स जो है वो एक सेपरेट स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो रही है। आप इस पे देखें तो हमारे पास जो मैसेज था वेलकम टू माय पेज वो डिस्प्ले हो रहा है और ओके का बटन है, और इसके बाद आप देखेंगे जो स्टेटस आ रहा है हमारे पास कि स्टिल जो है वो पेज अभी लोड हो रहा है। तो इट मींस के जो हेड सेक्शन था उसमें हमारे पास अलर्ट बॉक्स था, जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे आप देखेंगे अब स्टेटस आ गया कि पेज जो है वो लोड हो चुका है, और उसके बाद जो बॉडी का सेक्शन था वो भी अब राइट हो गया वेब पेज में। तो इस तरह से देखें हम कि जब हेड सेक्शन में हमने अलर्ट बॉक्स जो है उसे डिस्प्ले किया तो इन्फॉर्मेशन आई, हमने वो इन्फॉर्मेशन रीड कर ली और रीड करने के बाद हमने जो है ओके प्रेस कर दिया, तो उसके बाद जो बाकी का कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो गया वेब पेज पे और जो उसके कंटेंट्स थे वो डिस्प्ले हो गए। अलर्ट बॉक्स के बाद जो सेकंड टाइप का डायलॉग बॉक्स होता है वो प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। बेसिकली प्रॉम्प्ट बॉक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए भी यूज़ होता है। जब प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है तो यूज़र के पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं ओके और कैंसिल, ये दोनों प्रेस किए जा सकते हैं। अगर यूज़र जो है वो ओके प्रेस करता है तो यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है इनपुट फील्ड के अंदर वो रिटर्न होती है और असाइन होती है उस वेरिएबल को जिसे हमने कोड के अंदर वो वैल्यू असाइन की है। अगर यूज़र कैंसिल प्रेस करता है तो जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो नल रिटर्न करता है और उस वेरिएबल को नल वैल्यू असाइन हो जाती है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमने एक फंक्शन बनाया है प्रॉम्प्ट मी, और इस फंक्शन में आप देखें तो हमने जो है यूज़र को एक मैसेज दिया है प्लीज़ एंटर योर नेम प्रॉम्प्ट बॉक्स में, और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो आके वेरिएबल नेम को असाइन हो रही है। इसके बाद हमने जो है एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो फंक्शन है उसे यूज़ किया है और एक वेलकम मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाया है उस यूज़र को जिस जो भी यूज़र ने अपना नेम टाइप किया था। फिर इसके बाद देखें आपके जो हाइलाइटेड पार्ट है उसमें स्क्रिप्ट का डाया ख़त्म होने से पहले हमने उस फंक्शन को कॉल किया। तो इस तरह से जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो यूज़र को एक प्रॉम्प्ट बॉक्स नज़र आता है जिसमें यूज़र से उसका नेम इनपुट के तौर पे मांगा जाता है। यूज़र अपना नेम एंटर करता है और जो स्क्रिप्ट है वो एक वेलकम मैसेज वेब पेज के ऊपर लिखता है जो कि यूज़र को डिस्प्ले होता है। जो थर्ड टाइप के डायलॉग बॉक्स है हमारे पास वो कंफर्म बॉक्स है। कंफर्म बॉक्स इज़ ऑफन यूज इफ़ यू वांट द यूज़र टू वेरीफाई और एक्सेप्ट समथिंग। बेसिकली जब हम यूज़र से कोई कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कंफर्म बॉक्स होता है। जब कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होता है तो यूज़र के पास दो ऑप्शंस होते हैं ओके और कैंसिल। अगर यूज़र जो है वो ओके प्रेस करता है तो ट्रू रिटर्न होता है, अगर यूज़र जो है वो कैंसिल प्रेस करता है तो फॉल्स रिटर्न होता है। तो बेसिकली जब एक कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर तो उस बॉक्स में जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा, यूज़र ओके या कैंसिल प्रेस करके अपनी इनपुट दे सकता है।
लेकिन ये जो डिफरेंस है कन्फर्म बॉक्स में और प्रॉम्प्ट बॉक्स में, वो बेसिकली यही है कि प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है वो इनपुट फील्ड भी डिस्प्ले करता है जिसमें यूज़र इनपुट टाइप कर सकता है, जबकि जो कन्फर्म बॉक्स है उसमें यूज़र मैसेज को रीड करता है और रीड करने के बाद कैंसिल या ओके की फॉर्म में अपनी इनपुट प्रोवाइड करता है। अगर ओके प्रेस करेगा तो ट्रू रिटर्न होगा और अगर कैंसिल प्रेस करेगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो इस रिटर्न वैल्यू के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र जो है वो इस मैसेज से एग्री करता है या एग्री नहीं करता। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें कन्फर्म कौन नेम के नाम से, बेसिकली इस फंक्शन में यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद हम यूज़र से कन्फर्मेशन ले रहे हैं कि आप जो हैं अपना नेम वेबसाइट पे लिखना चाह रहे हैं या नहीं। अगर ट्रू रिटर्न होता है तो हमने इफ़ कंडीशन के थ्रू उसे चेक किया हुआ है, अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले होगा उस यूज़र के लिए, अदरवाइज जो है एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें यूज़र नेम के बजाय एनोनिमस पर्सन के लिए एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में बेसिकली यूज़र से इनपुट ली हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू, हमने फिर यूज़र से कन्फर्मेशन ली कि आपने भाई अपना जो नेम है वो वेबसाइट पे लिखना है या नहीं। अगर यूज़र ओके प्रेस करता है यानी ट्रू रिटर्न करता है तो वेब पेज पे यूज़र का नेम जो है वो राइट हो जाएगा। एल्स के केस में जस्ट वेलकम मिस्टर एनोनिमस जो है वो डिस्प्ले होगा। आइए हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो जैसे ही हमने इस पेज को लोड किया है तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है जिसमें हमसे जो है वो नेम एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें हम नेम एंटर करते हैं और ओके प्रेस किया। अब आप देखें कि जैसे हम ओके प्रेस करते हैं नेम एंटर करने के बाद तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप वेब पेज पे लिखना चाह रहे हैं अपना नेम या नहीं। तो हमारे पास देखें दो ऑप्शंस हैं, ओके और कैंसिल। अब ये जो डायलॉग बॉक्स है ये बेसिकली कन्फर्म बॉक्स है जो कि हमसे कन्फर्मेशन मांग रहा है। अगर जैसे मैं ओके प्रेस किया तो आप देखें कि जो वेलकम मैसेज है उस नेम को जो कि हमने एंटर किया था प्रॉम्प्ट बॉक्स में, उस नेम के लिए जो है वो वेलकम मैसेज लिखा गया वेब पेज के ऊपर। इसी तरह से अगर हम कैंसिल प्रेस करते हैं तो फिर फॉल्स रिटर्न होगा और फॉल्स जो एल्स का केस था वो एग्जीक्यूट होगा। आज के लेक्चर में अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो डिफरेंट टाइप के डायलॉग बॉक्सेस अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने वो देखा, जिसमें हमने अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स और कन्फर्म बॉक्स, ये तीन तरह के डायलॉग बॉक्सेस देखे और डिफरेंट एग्जांपल्स में हमने उन्हें यूज़ करके देखा। अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या जिसे हम सिंपली डॉम कहते हैं। बेसिकली अगर हम वेब की वर्किंग देखें तो जब हम अपने क्लाइंट मशीन से ब्राउज़र में किसी भी वेब पेज का एड्रेस लिख के उसे एक्सेस करते हैं तो उस वेब पेज के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स से मीन के उसके कंटेंट्स, इमेजेस और फॉर्म है अगर उस पर, तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डाउनलोड होते हैं सर्वर से और उसके बाद जो है ब्राउज़र उन्हें HTML कोड के मुताबिक स्पेसिफाइड लोकेशन पे पेंट कर देता है। अब आप देखें कि जैसे वो पेंट हुए ब्राउज़र में तो हमें जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं और हमें एक वेब पेज की तरह वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो
इशू है वो ये है कि जब एलिमेंट्स जो हैं वो एक दफ़ा ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले हो जाते हैं, पेंट हो जाते हैं, तो हम उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इट मींस के वो स्टैटिक हो जाते हैं हमारे लिए और उन्हें चेंज करना HTML में पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम जो है उन एलिमेंट्स को रीड कर सकें और उन्हें रन टाइम पे हम उन्हें चेंज कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक इमेज जो है वो डिस्प्ले किया वेब पेज के ऊपर, तो वो जब डिस्प्ले हो गया तो HTML उसे रिकग्नाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम थोड़ा वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम फॉर एग्जांपल उस इमेज की जगह हम कोई और इमेज जो है वो अगर डिस्प्ले करें तो वो हमें ऐसा फील होगा जैसे रन टाइम पे वो इमेज जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब हमारे पास HTML में ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं जो कि उन एलिमेंट्स को रिकग्नाइज कर सकें और उन एलिमेंट्स को चेंज कर सकें। जो जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड ब्राउज़र्स हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो रिकग्नाइज करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो जो HTML एलिमेंट्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करता है एक हायरार्की की फॉर्म में और इस चीज़ को पॉसिबल करता है कि हम उन एलिमेंट्स को इवन डिस्प्ले होने के बाद भी रिकग्नाइज कर सकें। तो जो जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड ब्राउज़र्स हैं वो रन टाइम के ऊपर या डायनेमिकली एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं HTML एलिमेंट्स तक और हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम बात करें HTML DOM की तो बेसिकली HTML DOM defines a standard set of objects for HTML and a standard way to access and manipulate HTML documents. तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो जो DOM या document object model है वो HTML elements को जो है एक को different objects की फॉर्म में डिफाइन करता है और एक मैकेनिज्म सेट करता है जिसे फॉलो करते हुए हम उन एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो वेब पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर कंटेनिंग टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट्स कैन बी एक्सेस्ड through DOM. तो DOM जो mechanism है उसे follow करते हुए हम तमाम HTML elements के और के attributes तक हम access कर सकते हैं और उन्हें हम change भी कर सकते हैं। For example हमने एक image add किया हुआ है, वो जब load हो जाता है page तो HTML के लिए possible नहीं होता उसे recognize करना, लेकिन जो DOM का मैकेनिज्म है उसके मुताबिक हम जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है उसके ज़रिए हम उस एलिमेंट तक पहुंच भी सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स को हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो वेब पेजेस हैं वो हमें ज़्यादा इंटरेक्टिव जो है या डायनेमिक फील होते हैं। अब जो HTML DOM है ये प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, इट मींस के ये लाजमी नहीं है कि हम उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट और VBScript, इन तमाम स्क्रिप्ट्स को हम यूज़ करके जो HTML एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। द HTML DOM कैन बी थॉट ऑफ एज ए हायरार्की मूविंग फ्रॉम द मोस्ट जनरल ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट स्पेसिफिक।
तो बेसिकली जो डॉम है वो HTML ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डिफाइन करता है एक हायरार्की की फॉर्म में HTML ऑब्जेक्ट्स को, और हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है कि हम टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और उसके बाद हम उनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम डॉम मॉडल जो है उसे डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि डॉम मैकेनिज्म जो है वो हमें इनेबल करता है कि हम उन एलिमेंट्स को जो कि एक ब्राउज़र के अंदर पेंट हो चुके हैं या डिस्प्ले हो चुके हैं हम स्टिल उन्हें रिकग्नाइज कर सकें, और हम उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें डायनेमिकली चेंज कर सकें ताकि वो ज़्यादा इंटरेक्टिव फील हो। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो डॉम है वो HTML एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में जो है प्रेजेंट करता है, और इस डॉम हायरार्की में जो सबसे टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट होता है वो विंडो का ऑब्जेक्ट है। बेसिकली जो विंडो का ऑब्जेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है ब्राउज़र विंडो को, और उससे रिलेटेड विंडो से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उन तक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर विंडो ऑब्जेक्ट से नीचे हमारे पास जो है वो नेविगेटर का ऑब्जेक्ट है, अगर हम ब्राउज़र से रिलेटेड कोई जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास नेविगेटर का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूज़र के ब्राउज़र के बारे में देखना चाह रहे हैं, डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि यूज़र ने जो पेज एक्सेस किया है वो किस ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस किया है, तो इस तरह से हम ब्राउज़र स्पेसिफिक कोड भी लिख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है, इसमें वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे उन तमाम एलिमेंट्स को हम थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई इमेज जो है एक्सेस करना है उसके जो है एट्रीब्यूट्स को डायनेमिकली चेंज करना है तो हम डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और उसके मज़ीद जो हायरार्की में डाउनवर्ड मज़ीद ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू हम एक्सेस करेंगे उस एलिमेंट तक। इसी तरह से हमारे पास हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम जो करंट विंडो है उसके अंदर जितने हमने पेजेस जो हैं वो विज़िट किए हैं उसकी हिस्ट्री को एक्सेस कर सकते हैं, और फिर लोकेशन का ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम URLs को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को देखें तो इसमें जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है उसे यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिविटी या प्रोवाइड कर सकते हैं वेब पेजेस के ऊपर। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है उसके जो इसके नीचे का जो लेवल बनेगा ऑब्जेक्ट्स का उसमें हमारे पास फॉर्म्स का ऑब्जेक्ट होता है, इमेजेस का ऑब्जेक्ट होता है, लिंक्स का ऑब्जेक्ट होता है, और एंकर्स का ऑब्जेक्ट होता है। जो फॉर्म्स का ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है जितने फॉर्म के एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हुए हैं एक वेब पेज में। तो बेसिकली जो डॉम इनेबल्ड ब्राउज़र्स हैं वो एक फॉर्म्स की अरे बनाते हैं, और जितने भी फॉर्म्स हमने यूज़ किए हैं अपने वेब पेज में उन तमाम का रेफरेंस जो है उस अरे में स्टोर कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर हमने जो है उन फॉर्म्स तक एक्सेस करना हो तो हम फॉर्म्स की अरे को अरे के थ्रू जो कि ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है हम उस उन फॉर्म्स तक एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से जो ब्राउज़र है वो इमेजेस
कि रे भी मेंटेन करता है, एक वेब पेज में हमने जितने भी इमेज ऐड किए हुए हैं उन सब का जो रेफरेंस है वो इमेजेस के रे में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है, और हम जो है इमेजेस की रे के थ्रू वो उन एट्रीब्यूट्स तक एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट की जो ऑब्जेक्ट है उसके जो नेक्स्ट लेवल है उसमें लिंक्स की रे है, जो कि उस डॉक्यूमेंट या वेब पेज पे जितने भी हमने लिंक्स ऐड किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को कीप करता है। और इसी तरह से हमारे पास जो एंकर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एंकर्स का ऑब्जेक्ट जो है उसके थ्रू अवेलेबल होती है। फर्दर अगर हम देखें फॉर्म्स की अरे को या फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट को, तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो एलिमेंट्स की अरे होती है, या एलिमेंट्स की अरे बेसिकली। अब देखें कि हमने फॉर्म्स की अरे में जो है फॉर्म्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखी है कि इस वेब पेज में कितने जो है फॉर्म्स हैं। अब हर फॉर्म के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अरे की जो लिस्ट मेंटेन करता है ब्राउज़र वहाँ पड़ी होती है। इसी तरह से अगर हम फॉर्म से भी आगे की तरफ जाएं तो हमारे पास ऑप्शंस की अरे होती है। बेसिकली हमने देखा कि फॉर्म्स के अंदर हमारे पास जो सिलेक्ट लिस्ट होती हैं उसमें हमें ऑप्शंस देनी पड़ती हैं यूज़र को, और उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है। तो जो ऑप्शंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ऑप्शंस की लिस्ट में पड़ी होगी। अगर आप इस हायरार्की को देखें तो अगर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक इमेज है उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस और इमेजेस के अंदर हम जो है जो इमेजेस की अरे है उसमें इंडेक्स नंबर लिखेंगे कि हम इस स्पेसिफिक जो इमेज है उस तक हम एक्सेस करना है, और उसके बाद हम जो है डॉट एट्रीब्यूट कि उसके इमेज के किस एट्रीब्यूट को हमने चेंज करना है या एक्सेस करना है। तो इस तरह से इस हायरार्की को फॉलो करते हुए हम जो HTML एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं और उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो वेब पेज है वो हमें बहुत इंटरेक्टिव फील होता है। अगर हम बात करें कि इस हायरार्की को जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट तक पहुंचना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप देखेंगे ये जो एग्जांपल है इसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स इंडेक्स ज़ीरो डॉट एलिमेंट्स इंडेक्स ज़ीरो डॉट वैल्यू। अब आप देखेंगे जो फॉर्म्स की अरे है बेसिकली वो एक पेज में जितने फॉर्म्स हैं उनका रेफरेंस अपने पास रखती है, और वो जो फॉर्म्स हैं वो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर वो फॉर्म होगा जो कि सबसे पहले फॉर्म वेब पेज में डिस्प्ले हो रहे हैं, वन इंडेक्स के ऊपर वो फॉर्म होगा जो कि सेकंड नंबर पे हमने वेब पेज में लिखा हुआ है उस पेज का रेफरेंस जो है वो वन इंडेक्स के ऊपर होगा। तो इसी तरह से अगर मज़ीद फॉर्म्स हैं तो उनके इंडेक्सेस हम देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये लाइन जो है वो फॉर्म नंबर वन जो उस वेब पेज में है उसके एलिमेंट्स ज़ीरो, तो जो फॉर्म नंबर वन है उसका एलिमेंट नंबर वन डॉट वैल्यू उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखें इस लाइन में तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस ज़ीरो डॉट सोर्स, तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि जो इमेजेस हम वेब पेज में डिस्प्ले करते हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इमेजेस की ये जो अरे है वहाँ स्टोर होती है। अब इमेजेस जो सबसे पहले इमेज जो है वो डिस्प्ले होगा वो उसका इंडेक्स ज़ीरो होगा, जो सेकंड इमेज है उसका डिस्प्ले वन होगा। इसी तरह से सीक्वेंस में जो इंडेक्सेस हैं वो सेट होते हैं। तो इस लाइन में जो है हमने जो इमेज वन है यानी ज़ीरो इंडेक्स पे है उसके सोर्स तक एक्सेस हमने किया है।
इसी तरह से अगर हम लिंक्स की बात करें तो आप इस लाइन में देखें डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स 0.href। तो हमने जो लिंक्स की रे है उसके ज़ीरो इंडेक्स मींस के जो उस वेब पेज में सबसे पहला लिंक था उसको एक्सेस किया और उसके बाद उसका जो एट्रीब्यूट है href का, तो हम उसकी वैल्यू को हमने एक्सेस किया है। तो अभी तक के लेक्चर में जो हमने आप देखेंगे हमने ये पढ़ा कि जो डॉम HTML डॉम है वो HTML एलिमेंट्स को एक हायरार्की की फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज करता है और हम उस हायरार्की को फॉलो करते हुए हम उन एलिमेंट्स तक पहुंच सकते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस करने के बाद हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो वेब पेजेस हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हों। आइए हम अब देखते हैं कि हम किसी एलिमेंट को जो है रिट्रीव करना हो तो उसका हमारे पास क्या मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में बेसिक मेथड है वो हमारे पास है गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक कोर जो है वो मेथड है HTML एलिमेंट्स को रिट्रीव करने के लिए, यानी एक दफ़ा वो HTML जो एलिमेंट्स हैं वो वेब पेज में डिस्प्ले हो चुके हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम जो है उन एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। अगर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए लाजमी है कि जो HTML एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को एक यूनिक आईडी जो है वो असाइन किया गया हो। तो हम उस आईडी के थ्रू जो है उन एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं और जो गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन है वो एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि उस स्पेसिफिक आईडी वाले एलिमेंट तक। जैसे आप देखेंगे हमने एक लाइन लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके बाद हम आईडी जो भी स्पेसिफिक या यूनिक आईडी है उसे मेंशन करते हैं। अब आप देखेंगे हमने जो गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन यूज़ किया तो बेसिकली हमने उसने हमें एक रेफरेंस रिटर्न किया है उस स्पेसिफिक एलिमेंट तक। अब हम इस रेफरेंस को यूज़ करते हुए उस स्पेसिफिक एलिमेंट जो है उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमने आईडी मेंशन किया उस डॉट एट्रीब्यूट। तो इस तरह से हम जो गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड ने हमें रेफरेंस दिया था डॉट एट्रीब्यूट के थ्रू हमने उस एलिमेंट के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को एक्सेस किया। ये स्पेसिफिक एग्जांपल देखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें हमने जो आईडी पास किया है पिक डॉट सोर्स। आप देखेंगे अगर किसी HTML पेज में हमने पिक के आईडी से एक पिक्चर ऐड किया हुआ है और हम उसके सोर्स को रीड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो लाइन कोड की बनेगी वो इस तरह से है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने उस पिक्चर का जो आईडी है पिक वो लिखा डॉट सोर्स के अब इस एलिमेंट का जो सोर्स का एट्रीब्यूट है वो हमें रिटर्न करें। इसी तरह से अगर हमने उस पिक्चर के हाइट को रीड करना हो तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगेन हमने जो आईडी है उस पिक्चर का वो पिक वो लिखा और डॉट हाइट कि हमने इसकी हाइट को जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम किस तरह से जो है HTML एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव कर सकते हैं। आप देखेंगे
इस स्लाइड में जो कोड नज़र आ रहा है, बॉडी के सेक्शन में हमने एक इमेज ऐड किया है जिसे सोर्स हमने दिया है bg1.jpg, यानी bg1.jpg के नाम से एक पिक्चर है जिसे हमने डिस्प्ले किया है वेब पेज में। इस पिक्चर को हमने जो आईडी असाइन किया है वो पिक के नाम से आईडी असाइन किया है, और हमने इस पिक्चर के ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है गेट वैल्यू। अब आप देखेंगे जब ये पिक्चर डिस्प्ले होगी तो वो 100 हाइट और इसी तरह से टाइटल जो है इस पिक्चर का वो हमने सेट किया हुआ है माई फेवरेट कार, तो ये टाइटल है इस इमेज का। इसके बाद देखें जो हाइलाइटेड पार्ट है जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखा हुआ है, तो इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है गेट वैल्यू के नाम से। इस फंक्शन में आप सबसे पहले देखिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमने जो है उसे पिक आईडी पास किया है। इट मीन्स के जो पिक आईडी है उसका रेफरेंस एक रिटर्न हुआ और जाके वेरिएबल ए को साइन हो गया। अब आप देखेंगे हमने ए डॉट टाइटल एक अलर्ट बॉक्स के अंदर हमने डिस्प्ले किया और ए डॉट हाइट यानी जो टाइटल का एट्रीब्यूट था और जो हाइट का एट्रीब्यूट था वो अलर्ट बॉक्स के अंदर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। इस कोड में आप देखेंगे हमने जावास्क्रिप्ट को कहीं पे भी जो है इमेज का टाइटल या इमेज का जो है हाइट हमने पास नहीं किया, वो वेब पेज के अंदर इमेज डिस्प्ले होगी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के कोड ने जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड के थ्रू जो है उसके टाइटल को और हाइट को उसने रीड किया। आइए हम इसी एग्जांपल को ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप इस स्क्रीन पे देखें हमने वेब पेज को लोड किया। अब इस वेब पेज के जो एलिमेंट्स थे जो कि एक इमेज था वो हमें डिस्प्ले हो गई। हम जैसे ही इस पे मूव करते हैं तो हमने टाइटल सेट किया हुआ था, वो टाइटल हमें डिस्प्ले हो रहा है, तो ये एट्रीब्यूट्स हमने इमेज के जो टैग था उसमें हमने सेट किए थे। इसके बाद आप देखें कि ये इमेज डिस्प्ले हो गया यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर। अब HTML जो है इसे रिकग्नाइज नहीं कर सकते। अब HTML को या यूज़र को ये पता नहीं है कि इस इमेज के जो एट्रीब्यूट्स थे वो क्या थे। जैसा कि हमने इसके ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल किया जो कि इस इमेज के एट्रीब्यूट्स को रीड कर रहा है, जैसे ही हमने ये क्लिक किया यहाँ पे और देखिए वो फंक्शन कॉल हो गया और उसने हमें जो है इस इमेज का जो टाइटल था वो एक अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा दिया। हमने ओके प्रेस किया, उसके बाद देखिए हमारे पास एक और जो है वो अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले हो गया जिसमें इस इमेज का हाइट जो है वो डिस्प्ले हो रही है, और हमने ओके प्रेस किया और जो है हम दोबारा उसी वेब पेज पे आ गए। अब अगेन देखेंगे ये हमारे पास एलिमेंट है, हमने इसके एट्रीब्यूट्स को रन टाइम के ऊपर हमने रीड किया। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू एक एचटीएमएल एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को हमने रिट्रीव किया और उन्हें अलर्ट बॉक्स में हमने डिस्प्ले किया। इसी तरह से हमारे पास इनर HTML की प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड के साथ, जिसके थ्रू हम किसी HTML एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है उसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम उस पैराग्राफ का जो आईडी है उसके उसे यूज़ करते हुए हम एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं उस पैराग्राफ तक, और उसके बाद अगर हम उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमने डॉट इनर HTML की प्रॉपर्टी यूज़ की तो वो उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को रिटर्न करेगी। इस एग्जांपल में देखिए हम इनर HTML की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी
और इसके बाद हमने उस स्पेसिफिक एलिमेंट का आईडी पास किया डॉट इनर एचटीएमएल। तो अब हमने जो आईडी पास किया हुआ है उसके एट्रीब्यूट्स के बजाय हमने उसके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में हमने उसे एक्सेस किया है। इस एग्जांपल में आप देखें कि हमने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया है बॉडी के टैग में और उस टैग टैग वो जो हमने आईडी असाइन किया है वो माई पैरा का आईडी है। इसी टैग के अंदर हमने ऑन क्लिक के ऊपर गेट टेक्स्ट का जो है वो फंक्शन कॉल किया है। इसके बाद आप देखेंगे जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यानी जो पैराग्राफ डिस्प्ले होगा वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड जस्ट लिखा हुआ होगा और उसके बाद हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे हम जब इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो गेट टेक्स्ट का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अगर हम गेट टेक्स्ट की फंक्शन की बात करें तो आप देखेंगे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय पैरा हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी के मेथड के थ्रू हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया जिसे हमने वेरिएबल ए में स्टोर कर दिया। अब वेरिएबल ए जो है वो रेफर कर रहा है माय पैरा का जो एलिमेंट है उसे। अब आप देखेंगे हमने अलर्ट बॉक्स लिखा और अलर्ट बॉक्स में हमने ए डॉट इनर एच टी एम एल की प्रॉपर्टी यूज़ की। तो जो ए रेफर कर रहा है पैराग्राफ माई पैरा को डॉट इनर एच टी एम एल जो है उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को वो एक्सेस करेगा और डिस्प्ले कर देगा। तो अब आप देखेंगे हमने बिल्कुल उसी तरह से एक एलिमेंट तक जो है वो रेफरेंस क्रिएट किया और उसके बाद उसके टेक्स्ट को एक्सेस किया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इस रेफरेंस के साथ हम उसके उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। आइए हम इस कोड को भी ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इस वेब पेज को लोड किया ब्राउज़र के अंदर तो इस पेज पे जितने एलिमेंट्स थे वो लोड हुए और उसके बाद वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो गए। तो हमने जैसा कोड में देखा कि हमने जस्ट एक पैराग्राफ ऐड किया था बॉडी के टैग में और उस पैराग्राफ में हमने हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया था और उसके ऑन क्लिक के ऊपर हमने जो है वो गेट टेक्स्ट का मैसेज जो है फंक्शन जो है उसे कॉल किया था। अब देखिए हमने जैसे ही क्लिक किया हेलो वर्ल्ड के ऊपर यानी उस पैराग्राफ के टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया जिसमें इस पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो रीड होके हमें नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि हमने स्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी जो है इस पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो पास नहीं किया था बल्कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसने रन टाइम पे जो है उस स्पेसिफिक पैराग्राफ को रीड किया और डॉट इनर एचटीएमएल की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हमने उस पैराग्राफ के जो टेक्स्ट है उसे एक्सेस किया। तो प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल्स अगर आप देखें तो हमने एचटीएमएल के एलिमेंट्स जो के वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं या पेंट हो जाते हैं उसके बाद हमने जो है उन एलिमेंट्स को थ्रू आईडी एक्सेस किया और उनके जो है एट्रीब्यूट्स उन्हें एक्सेस किया। फिर हमने डॉट इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने जो है उस उन एलिमेंट्स के टेक्स्ट को भी रीड किया। इसके बाद देखिए हमारे पास गेट एट्रीब्यूट का एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट। इस फंक्शन के थ्रू भी हम जो है HTML एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगेन डॉक्यूमेंट अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट के किसी एलिमेंट को के किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए तो हमारे पास जो मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगेन हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन यूज़ किया
ताकि हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट को रेफर कर सकें। उसके बाद हमने डॉट गेट एट्रीब्यूट का फंक्शन यूज़ किया और इस फंक्शन को हमने वो स्पेसिफिक जो है एट्रीब्यूट जो हमें चाहिए उसका नेम प्रोवाइड किया। अगर आप एग्जांपल देखें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पिक डॉट गेट एट्रीब्यूट सोर्स, तो आप देखेंगे एक इमेज जो कि पिक के नाम से डिस्प्ले हो चुकी है। हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उसे रेफर किया और गेट एट्रीब्यूट के थ्रू हमने उसके सोर्स को रीड किया। अगर हम इसी कोड को देखें जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था, अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो आप देखेंगे जो हाइलाइटेड पार्ट है, हमने इस पार्ट में जो पिक हमने ऐड की थी, जो प्रीवियस एग्जांपल में भी था कि हमने एक पिक्चर दिखाई हुई थी, हमने जो है उसे एक्सेस किया। सबसे पहली जो लाइन है हाइलाइटेड पार्ट में फंक्शन के अंदर, उसमें आप देखेंगे हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी और पिक को रेफर किया, एक रेफरेंस क्रिएट किया, और उसके बाद हमने जो है गेट एट्रीब्यूट फंक्शन जो है उसके थ्रू हमने उस पिक्चर का जो टाइटल हमने असाइन किया था उस टाइटल को एक्सेस किया। तो आप देखेंगे एक पिक्चर वेब पेज पे जो डिस्प्ले हो रही है, उस पिक्चर डिस्प्ले होने के बाद हमने उसके जो टाइटल का एट्रीब्यूट था उसे एक्सेस किया और उसे हमने रीड किया। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स को देखें तो बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि एक वेब पेज के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है बाय आईडी, हमने आईडी के थ्रू उन एलिमेंट्स तक हमने रेफरेंस क्रिएट किया यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन, और फिर हमने उस रेफरेंस के थ्रू उसके एट्रीब्यूट्स को रीड किया। अगर हम कुछ डायनेमिक इफेक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने वेब पेजेस में, तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमें उन फंक्शंस उन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को रीड करने के बाद हमने उन्हें नई वैल्यूज जो हैं वो असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल हमने जो एक पिक्चर है उसे उसके सोर्स को रीड किया, अब हम उसके सोर्स को एक नई वैल्यू या नया सोर्स जो है वो असाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक पिक्चर डिस्प्ले होने के बाद वो पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो पिक्चर अपने आप को चेंज कर रही है। तो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट करने के लिए हमारे पास जो एक फंक्शन है वो सेट एट्रीब्यूट है। बेसिकली ये फंक्शन जो है इसे दो जो है वो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, एट्रीब्यूट नेम यानी जिस एट्रीब्यूट को हम सेट करना चाह रहे हैं और वैल्यू कि उसे नई वैल्यू हम क्या असाइन करना चाह रहे हैं। तो इस एग्जांपल देखें आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एलिमेंट आईडी, तो सबसे पहले हम उस एलिमेंट तक जिसके एट्रीब्यूट्स को हम चेंज करना चाह रहे हैं हम एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं और फिर गेट सेट एट्रीब्यूट के फंक्शन के थ्रू हम उसे नई वैल्यू असाइन कर देते हैं। आप एग्जांपल देखें कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पिक हमने वो पिक्चर तक जो है वो रेफरेंस क्रिएट किया और डॉट सेट एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू हमने जो सोर्स एसआरसी एट्रीब्यूट है उसका उसे एबीसी डॉट जेपीजी वैल्यू असाइन कर दें। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो जो पहले पिक्चर डिस्प्ले हो रही थी उसकी जगह एबीसी डॉट जेपीजी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले हमने जिस एलिमेंट के हम एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाह रहे हैं हमने उस एट्रीब्यूट उस एलिमेंट तक रेफरेंस क्रिएट किया और उसके जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है उसे सेट एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू हमने सेट कर दिया। आइए अब हम एक एग्जांपल में देखते हैं
इस एग्जांपल में आप देखें कि हमने बॉडी के टैग में एक इमेज ऐड किया हुआ है जिसका सोर्स है bg1.jpg। इट मींस कि जो bg1.jpg इमेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। इस इमेज का जो आईडी है वो हमने पिक रखा हुआ है और इस इमेज के ऑन क्लिक के ऊपर हमने सेट एट्रीब्यूट के नाम का एक फंक्शन है वो फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब अगर हम बात करें सेट एट्रीब्यूट की तो जो इस स्लाइड पे जो हाइलाइटेड कोड नज़र आपको आ रहा है वो कोड बेसिकली डिफाइन कर रहा है सेट एट्रीब्यूट फंक्शन को। अब इस फंक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले हमने उस एलिमेंट जिसे हमने चेंज करना है उस एलिमेंट तक एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसमें आईडी हमने जो पास किया है वो पिक है। इट मींस के वो जो इमेज बॉडी के सेक्शन में डिस्प्ले हो रही है उस इमेज तक हमने जो है वो रेफरेंस क्रिएट किया। फिर आप देखेंगे उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमने ए डॉट सेट एट्रीब्यूट जो उस एलिमेंट का सोर्स का एट्रीब्यूट है उसे हमने एक नई वैल्यू bg3.jpg जो है वो असाइन कर दी। अब आप इस कोड को देखें कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा ये फंक्शन जो उस पिक्चर या पिक आईडी वाला एलिमेंट है उसके सोर्स को जो पहले जो भी सोर्स था bg1.jpg उसकी जगह bg3.jpg पिक्चर जो है वो असाइन कर देगा। तो जो पहले वाली पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी और उसकी जगह जो नए वाली पिक्चर है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आइए इस कोड को हम ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर आप इस ब्राउज़र स्क्रीन को देखें तो इसमें हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है एक इमेज है। अब इस इमेज पे देखें हमने जो कोड किया था वो ये किया था कि हम इस पे क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल होता है जो कि इस इमेज के सोर्स को चेंज कर देता है। अब देखें जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अब उस पिक्चर की जगह हमें एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आ रही है। तो इस तरह से देखें कि वो फंक्शन कॉल हुआ उसने सोर्स को चेंज किया तो वो इमेज जो है वो चेंज हो गया। लेक्चर के आखिर में हम समराइज़ करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो डायलॉग बॉक्सेस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कौन कौन से हैं। इसमें हमने अलर्ट बॉक्स देखा प्रॉम्प्ट बॉक्स और इसी तरह से कन्फर्म बॉक्स। इसके बाद हमने HTML डॉम को डिस्कस किया। तो बेसिकली जो HTML डॉम है वो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो ब्राउज़र्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले होने के बाद। तो डॉम मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले होने के बाद भी रिकग्नाइज कर सकते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को हम जो है रिट्रीव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड है उसके थ्रू हमने HTML एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया और उनके एट्रीब्यूट्स को कैसे रिट्रीव किया। इसके बाद हमने जो है सेट एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू हमने जो HTML एलिमेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स को हमने सेट करना सीखा या चेंज करना सीखा। अगर आप इस टॉपिक पे मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो जो बुक है बिगिनिंग HTML XHTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट जिसे हम HTML से लेके CSS और फॉलो कर रहे हैं उस बुक के चैप्टर नंबर 11 पे आपको मटेरियल मिल सकता है। इसी तरह से जो बुक हमने जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं लर्न जावास्क्रिप्ट उसके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 में आप इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डॉम HTML डॉम ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स को रीड करना और चेंज करना सीखेंगे ताकि हमारी जो
वेब पेजेस हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हों। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।